हिम्मत देख रहे हैं, सुबह के 6:30 बजे हैं और अभी हम अंबिकापुर से निकल रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा है। कल मैं निकला था जशपुर से। अगर आप सीधा इस व्लॉग पे आ रहे हैं तो फिर आप इससे पहले वाला व्लॉग चेक करें। उस व्लॉग पे मैं जशपुर से अंबिकापुर आया था अकेले और आज मेरे साथ है गोल्डी। इसे हम प्यार से गोल्डी कहते हैं, ये इनका नाम है, खुद ही बताते हैं वारिश, इन्हें लोग वारिश के नाम से जानते हैं और हम इसे प्यार से गोल्डी कहते हैं। और अभी जस्ट हम नेशनल हाईवे पकड़े हुए हैं बिलासपुर के लिए। हमारी मशीन थोड़ी मॉडिफाइड है और कहीं भी जा रही होती है लोग 4 बार तो इसे जरूर देख रहे होते हैं। और गोल्डी के पास इसकी कार है, वो भी स्विफ्ट है। और ऐसे हमारा प्लान, मतलब हम जब भी मिल रहे होते हैं ना कुछ ऐसे बातें कर रहे होते हैं जिसपे मॉडिफाइड मिक्स चल रहा हो। तो अपनी भी मॉडिफाइड था बस अभी पापा की वजह से गेट वेट सब निकाल दिया गया है। मतलब अगर आपके घर में फैमिली में 1-2 गाड़ी है ना तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिंगल है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। अरे बताए क्या बता, मैं घर से निकला, ठीक है, बता रहा हूँ। मैं पापा को बोला, पापा मैं कोटा जा रहा हूँ, तो पापा क्या सोचे कि ये बिलासपुर वाले से कोटा, वो सोचे हाँ ठीक है भाई बेटा जा आराम से आना। मैं निकल गया, फिर ना उनको नहीं पता था, फिर ना ये अनूपपुर साइड वाला जो टोल पड़ता है वहाँ पे टोल कटा, ठीक है, तो मैसेज पापा के पास गया। पापा मेरे को तुरंत कॉल किया, बोलते तू किधर है? मैं बोला कोटा जा रहा हूँ। तो तू अनूपपुर साइड से क्यों जा रहा है? मैं बोला राजस्थान कोटा जा रहा हूँ पापा। अरे यार गाड़ी कंडीशन में नहीं, तू जा रहा है उधर? मैं बोला हाँ यार जाना पड़ेगा पापा। बोला अरे ठीक है, अब तू निकल गया वापस तो बुला नहीं सकता हूँ, तू जा घूम के आ जा। तो अंबिकापुर से बिलासपुर वैसे मैं बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, मतलब मैं जब भी जा रहा होता हूँ रात में ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो अभी हम हैं उदयपुर में और हम अभी जा रहे हैं मोरगा। और ऐसा है कि सवेरे हमने कुछ खाया नहीं था तो मोरगा में कुछ नाश्ता वगैरह हम कुछ करेंगे, उसके बाद फिर रास्ते में कुछ अच्छी जगह मिलती है तो गोल्डी के साथ जा रहा हूँ और ये मुझे नई नई जगह बोला है, दिखाऊंगा और एक्सप्लोर हम करते जाएंगे। टेस्टी नाश्ता है, मैं आपको नाश्ता चेक कराता हूँ। बस इससे पहले आपने देखा होगा चेहरा हमारा उतरा हुआ था क्योंकि सुबह के नाश्ते नहीं मिले थे ना, भूख तो लगी हुई थी। और अभी ऐसा है कि मतलब अब तो लग रहा है ना चेहरे में जान सा आ गया है। पास में एक अच्छी जगह है, मैंने तो वैसे देखा नहीं है, गोल्डी बता रहा है। मेरा ऐसा था कि मैं ऐसे गुजर रहा था, गोल्डी ने बोला कि भाई भाई यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं क्योंकि नए नए चीज़ें ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं नई नई चीज़ें दिख रही है और नई नई चीज़ें जब दिख रही होती ना तो फिर समझ नहीं आता किसे देखें किसे ना देखें। यही नज़ारे चाहिए बस पता। ये काफ़ी छोटा सा होटल है और होटल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब जंगल के बीच में आप ऐसे क्रॉस कर रहे होंगे ना तो ये आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि यार बहुत सही दिख रहा है। यहाँ पे बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे धुसका और भजिया बनता होगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और मतलब यहाँ से सामने से वो लोकेशन स्टार्ट होता है और इसका नाम है, क्या नाम है गोल्डी? गोल्डन आइलैंड। इसका नाम है गोल्डन आइलैंड। जस्ट हम यहाँ पे रुके हुए हैं और जस्ट हमारे आगे पे गोल्डन आइलैंड और ये मैं बता नहीं सकता, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है। मतलब जंगलों के बीच में अगर कुछ चीजें हैं मतलब आप वो समझ सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। गोल्डन आइलैंड सच में काफी ज्यादा प्यारा है। तो हमने गोल्डन आइलैंड देख लिया, इससे पहले मैंने ना बहुत लोगों की स्टोरीज पे देखा था, फोटोज पे देखा था और मेरा मन था कि मैं कभी गोल्डन आइलैंड आऊँ और देख पाऊँ और ऐसा मौका आज ही बना कि मैं गोल्डन आइलैंड पे गया हुआ था और वहाँ के नज़ारे को मैंने देखा। अब ऐसा है कि यहाँ से 1 घंटे के रास्ते में बिलासपुर है तो आज का सफर मुझे लगता है बिलासपुर तक होगा। इस रास्ते का दूसरा टोल
पहला टोल हमने थोड़ी देर पहले क्रॉस करा और कुछ दूर चले और ये दूसरा टोल। कुछ देर पहले ही हम बिलासपुर पहुंचे और बिलासपुर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम था मशीन को वॉश कराना, क्योंकि पूरा दिन हमारा मशीन के साथ गुजर रहा होता है। तो आज ऐसा था कि सबसे पहले हम मशीन वॉश करा लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ देखते हैं। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं और अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद का सीन ये है कि आज हम यहीं पे बिलासपुर में स्टे कर रहे हैं और कल फिर हम रायपुर की ओर निकलेंगे। मैं बाइक तो ज़्यादा नहीं चलाता, लेकिन यहाँ पे एक मेरे को बहुत बॉम चीज़ दिखी है। मतलब ऐसा था ना कि जब भी मैं बाइक का सोच रहा होता था, मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता था। मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। ये मेरे निक्की भैया, और इसका क्या नाम रखे हैं वो तो मुझे निक्की भैया ही बताएंगे। क्या इनका नाम क्या रखे हैं आपने? धन्नो। फाइनली समय आ चुका है कि हम बिलासपुर को अलविदा कह दें और बहुत जाए रायपुर की ओर। मैं जशपुर से निकला था तब मैं अकेले था, फिर अंबिकापुर आया, गोल्डी मेरे साथ आया, और अभी मैं बिलासपुर में हूँ और मेरे साथ सैंडी भैया है। ड्रम स्टोरी जान रहे होंगे आप, ड्रम स्टोरी वाले व्लॉग पे सनी भैया थे। जब कभी भी आपके अपने आपके साथ में होते हैं ना, तो पता नहीं चलता है रास्ते की, और आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, सिर्फ आप अपनों से बात कर रहे होते हैं और रास्ते कट रहे होते हैं। तो जैसे हम रायपुर से निकले, सनी भैया और गोल्डी, हम तीनों इतना बातों में मगन हो गए कि हमें पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए रायपुर। तो फाइनली मेरा 3 दिन का जो सफर था, जशपुर से लेके अंबिकापुर, अंबिकापुर से लेके रायपुर, ये सफर 1 दिन में भी हो सकता था, लेकिन हमें चाहिए था थोड़ा मजा और थोड़ा प्यार नेचर का। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं और आप जरूर जाएं और मुझे बताएं कि ये 2 दिन कैसा लगा। कर दिया स्टार्ट कर दिया, ठीक है।